नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बायोलॉजी स्ट्रीम एटा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर मैराथन के रूप में हम करा रहे हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर नंबर नहीं दे रखे हैं कितने जो है वो आपके प्रश्न हैं। तो इससे पहले हमने देखे थे साइंस सब्जेक्ट के दो पार्ट में लगभग 150 से 200 प्रश्न। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में साइंस के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे एसएसटी यानी कि सोशल साइंस जो है उसके टोटल लगभग यहाँ पर 300 से अधिक प्रश्न दे रखे हैं, इसलिए हम इनको तीन पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम जितने प्रश्न देखेंगे उतने ही सेकंड में, उतने ही थर्ड में। तो मैंने पूरा जो है वो हाफ हाफ डिवीजन तीन पार्ट में कर दिया है, तो आज हमारा पहला पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि सन 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया। अलग अलग लोगों के नाम आते हैं 1857 की क्रांति में, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में बहादुर शाह जफर को बनाया जाना सभी ने स्वीकार जो है वो किया था। ये सब प्रश्न याद करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जितने मैं डेली प्रश्न करा रहा हूँ उनको याद करने की, क्योंकि एग्जाम की तिथि अब आपकी काफी नजदीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी। तो आंसर की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी देसी जो राज्य थे उनको किसी ना किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में जो है वो मिलाता जा रहा था, और इसी कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए थे। तो विलय मतलब क्या होता है, विलय करना अन्य राज्यों का अपने राज्य में और अपना राज्य का विस्तार करना, तो यही लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जो है वो थी। अगला है सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। तो सबसे मेन पॉइंट आपका सामाजिक कारण में आता है अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता का विरोध, ये आपका सामाजिक कारण में आता है। इसमें भी देख लेते हैं तो अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा जो व्याप्त त्रुटियां कुरीतियां उनके साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे, ये एक सामाजिक कारण जो है वो उसमें आता है। अलग अलग आपके कारण थे 1857 की क्रांति के, जैसे कि आपका धार्मिक कारण में चर्बी लगे कारतूस, सैनिक कारण में भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, आर्थिक कारण में कुटीर उद्योग धंधे सभी नष्ट किए जा रहे थे, तो ये सारी चीजें। अगला कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन 1857 है उससे जुड़े सैन्य कारण बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेना में भारतीयों के साथ वेतन और पदों से संबंधित भेदभाव होता था और कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक्चुअल में होता क्या था कि जो कारतूस होते थे उनमें मुंह से खींचना होता था और चर्बी लगी होती थी उसमें गाय और सुअर की, तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। ये भी सैन्य कारण के अंतर्गत आपका आ जाएगा, वैसे ये धार्मिक कारण में ज्यादा आता है आपका। तो यहाँ पर तो पूछा गया सैन्य कारण तो सेनाओं से भी संबंधित है, इसलिए आप इसमें भी लिख सकते हैं। अगला है सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बात करें प्रतीक चिन्ह की 1857 की क्रांति के संदेश का, तो आंदोलनकारी ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक जो है वो बनाया था। अगला है सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी। तो 31 मई 1857 जो है वो निश्चित की गई थी, परंतु 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम असफल होने के कारण में सबसे बड़ा कारण यही था कि 31 मई 1857 निश्चित तो की गई थी परंतु समय से पहले ही यानी कि 10 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी, जिससे सभी जो प्रिपरेशन थी सही तरीके से नहीं हो पाई, तो असफलता के कारण में ये भी जो है आपका आता है। अगला देखते हैं सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई। तो बैरकपुर से शुरुआत जो है वो हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला। तो कानपुर से पूछा गया है, चार ऑप्शन में भी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किन स्वतंत्रता सेनानी ने जो है वो कानपुर से नेतृत्व किया, तो उस टाइप से भी आता है। तो कानपुर में नाना साहब जो है उनको पेशवा घोषित किया गया था और अजीम उल्लाह खां उनके सहयोगी जो है वो बने। नाना साहब जब नेपाल जेल में बंद किए गए उसके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान जो है वो संभाली थी। अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली। तो अभी कानपुर में पूछा गया तो हमने नाना साहब जान लिया, अब बात करते हैं लखनऊ की। तो अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली थी। ध्यान रखिएगा
पर अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल जो है वो चली गई। और ये दोनों ही, आप अगर लखनऊ कभी आएंगे तो दोनों ही स्थान आपको देखने को मिलेंगे, बेगम हजरत महल नाम जो है वो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में सन 1857 की क्रांति की कमान किसने संभाली? तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। तो बस आपको नाम नाम याद रखने की, कहां से किसने जो है वो संभाला था, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा भी दिया था। अगला है, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का मोर्चा किसने संभाला? तो बिहार के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मोर्चा संभाला। चारों में एक बार नाम ऊपर आपको दिखा देता हूं फिर से, कानपुर में नाना साहब, और लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल, फिर मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, फिर बिहार में कुंवर सिंह। अगला है प्रश्न, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? मैंने क्या बताया था आपको, असफलता पूछी जाती है तो एक कारण आप लिख सकते हैं कि समय से पहले क्रांति हो गई थी, तिथि तो निश्चित की गई थी 31 मई 1857 को, पर आपका 10 मई 1857 को हो गया था। और यहाँ पर क्या लिखा है वो भी देख लीजिए, योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव, कोई कुशल नेतृत्वकर्ता भी नहीं था जिसके अंडर में सभी जो है वो सफल क्रियान्वयन जो 1857 की क्रांति उसका कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप कहेंगे भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया, ये विफलता का प्रभाव जो है देखने को मिला। अगला है, 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले हो गया था? तो आप क्या कहेंगे 31 मई 1857 ईस्वी तिथि थी किंतु 10 मई 1857 को हो गया। अगला है, 1858 में 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जितने भी अभी तक हमने बहुविकल्पी देखे, आपका जो 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम था, जितने भी जैसे जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी लगभग इसमें दे रखे हैं, तो आपका एक पूरा ओवरऑल रिविजन हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी पार्ट मिस आगे वाले भी जो है वो ना कीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ये तो आपका गलत दे रखा है, क्यों? अहमदिया आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ नहीं किया था, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद, ये जो है इनका नाम था। और जो नाम यहाँ पर लिखा है सर सैयद अहमद का, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की थी। किसकी? अलीगढ़ आंदोलन की। देखिए मिसप्रिंट ऐसी होती हैं, केवल बहुविकल्पी नहीं, यहाँ पर वन लाइनर में भी कहीं कहीं मिसप्रिंट इस टाइप से दिया होता है। तो ये जो आंदोलन थे, दोनों ही जो आंदोलन थे वो मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में आपके ये सब आते हैं। और पिछले साल मैंने जो फास्ट रिविजन था वो कराया था, तो उसकी ट्रिक भी इनकी बताई थी। मैं दोबारा से जब फास्ट रिविजन आगे चल के कराऊंगा तो उनको ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगा, अगर आपको नहीं याद है तो टेंशन ना लीजिएगा। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे 1828 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। और आप कहेंगे किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है वो की गई थी। RRR RRR ब्रह्म समाज 1828 कोलकाता में। इसमें जो सभी मुद्दे थे उनको भी याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, बीजेपी BSC जिसने देखी होगी अगर उसे याद होगा, फिर से मैं आपको जब फास्ट रिविजन कराऊंगा वहां पर भी बता दूंगा ये सारी चीजें। तो ये आपका ध्यान रखिए जितनी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में जो है वो हुई थी। और जिसको तारीख याद करनी है वो तारीख भी याद रख सकता है, 1 मई 1897 में। संस्थापक कौन थे रामकृष्ण मिशन के? तो स्वामी विवेकानंद थे। ये तीन चीजें आपको रटी होनी चाहिए, एक तो आपका ये रामकृष्ण मिशन, दूसरा टाइम आपका 1897, और तीसरा स्वामी विवेकानंद जो है इसके संस्थापक थे। और इसका जो मुख्यालय है वो
कोलकाता के निकट बैलूर में जो है वो है। अगला देखते हैं, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है वो की। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। समय जिनको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ, सुबह के 11 बजे और शाम के 8 बजे, ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की दो टाइमिंग है, जिसमें शाम को इस समय आपका इंग्लिश चल रही है अभी करंट में, और इसके अलावा जो सुबह का 11 बजे है उसमें आपके वन लाइनर अब स्टार्ट हो गए हैं। साइंस के हम आपके देख चुके हैं, सोशल साइंस के अब हम देख रहे हैं, और एमसीक्यू सुबह 11 बजे वाले में सभी सब्जेक्ट के हम करा चुके हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे 1906 में आगा खान ने जो है वो की थी। और जिसको तारीख भी याद रखनी है वो याद रख सकता है, तो 30 दिसंबर 1906 जो है वो तारीख थी। अगला है, 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो किया था। अगला है, आधुनिक भारत के जनक थे? तो आधुनिक भारत के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय और किस लिए फेमस है, अभी मैंने बताया, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। और भी इसमें बहुत से टाइम यानी कि ब्रह्म समाज में कार्य इंपॉर्टेंट हुए थे, जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना आपकी 1815 में हुई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी, दो साल बाद ही, तो वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं प्रश्न। अगला कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1863 में जो है वो हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। और यदि बात करें तारीख की तो आप कहेंगे 12 जनवरी, और यदि बात करें कहाँ तो आप कहेंगे कोलकाता, और कोलकाता में भी आप कहेंगे कहाँ तो कोलकाता में बैलूर मठ जो है वहां पर आप कह सकते हैं, कोलकाता में बैलूर इतना ध्यान रखेंगे उतना जो है वो काफी होगा। इनका पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद जी का, तो इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो पूरा नाम इनका था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो कब हुआ था? ऊपर स्वामी विवेकानंद जी का पूछा था, यहाँ पर राजा राम मोहन राय का पूछा है, तो आप कहेंगे 1772 में जो है वो हुआ था। थोड़ा सा अगर बात करें राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो 1772 के अलावा 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था, राधा नगर खानाकुल में जन्म इनका हुआ था। राजा राम मोहन राय जी हैं, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक के रूप में जाना जाता है। क्या क्या? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो की थी। याद कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके आगे, जब तैयारी करेंगे सुपर टेट यूपी टेट, ये सब क्वेश्चन वहां के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जब डीएलएड के लिए आप पढ़ ही रहे हैं आगे भी काम आएगा, तो अच्छे से पढ़िए। सोशल साइंस साइंस ये दोनों सब्जेक्ट आपके इम्पोर्टेंट है, और मैथ तो होती इम्पोर्टेंट। अगला है, अल हिलाल नामक पत्र का प्रकाशन किया किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने जो है वो किया। अगला है, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो की। अगला है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई? तो मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाई। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है? तो आप क्या कहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है उसके लेखक जो है वो हैं, और ये आपके कवि लेखक पत्रकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग रूपों में जाने जाते थे। भगत सिंह जो है उनको फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को जो है वो फांसी उनको दी गई थी, और 23 मार्च को ही आपका शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन आप कह सकते हैं भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण रोल जो अदा करने वाले तीन थे क्रांतिकारी, एक भगत सिंह जी, एक राजगुरु और एक सुखदेव, इनको फांसी जो है वो दे दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भी वर्ड मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि और तिथियों में भी आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, जैसे कि 30 जनवरी को भी मनाया जाता है,
अगला प्रश्न कह रहा है, सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? तो भारत राजनैतिक और आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य उस पर डिपेंड हो गया। जैसे क्या होता है, आप एक ये हैं, सामने दूसरा व्यक्ति है, जैसे आप ये मान लीजिए एक इंडियन है, ये ब्रिटिश है, इंडियन ब्रिटिश से लड़ने के लिए गया और क्या हुआ, हार गया। जब व्यक्ति हार जाता है तब क्या होता है, वो दूसरे के अधीन आ जाता है। तो वही लिखा है कि किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर डिपेंड निर्भर हो गया, तब वो अधीन आ गया, तो जाहिर सी बात है उस पर निर्भर हो गया। अगला धार्मिक और सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है, तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास और कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय इस सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के अंतर्गत किए जा सकते हैं। अगला है धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है, तो इसमें आप कह सकते हैं समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको नष्ट किया जाए, जैसे कि सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह निषेध है, देवदासी है और भी ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, उसको जो है वो समाप्त किया जाए। अगला है साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना किसने की, तो 1864 में सर सैयद अहमद खान ने जो है वो की थी। और सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में, कब, 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी जो है वो की थी। इसी को कुछ सालों बाद यानी कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं पारसी सुधार आंदोलन के नेता जो है वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला है सत्य शोधक समाज का गठन किसने जो है वो किया, तो दलित जातियों के सुधार के लिए ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज का गठन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की, तो 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में एक सोसाइटी की स्थापना की, इसी का नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। तो एनी बेसेंट और सन दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि नव जागरण से क्या अभिप्राय है, तो धर्म और समाज से संबंधित जो पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनमें परिवर्तन कर दें और नए जो है उसको समावेश करें, तो नव जागरण के नाम से जाना जाएगा। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कहाँ की, तो मैंने बताया राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में जो है वो की थी। कब की थी वो भी मैंने बताया आपको, 1828 में, 1828 ईस्वी में जो है वो की थी। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई, तो 1866 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। जितने आपके हैं प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, या आर्य समाज हो गया, थियोसोफिकल सोसाइटी हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, यहाँ से 110% एक प्रश्न आपका आना ही आना है। तो आपको ये सारी चीजें इसीलिए याद जरूर रखनी है, भले वो बहुविकल्पी में पूछा जाए, अति लघु पूछे या लघु पूछे, पर आएगा जरूर। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः जो है वो स्थापना करना। ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, क्या करिए, कान में लीड लगा लीजिए और उसको सुनिए, बार बार सुनिए। अभी से ही है, आप जैसे कहीं घूम रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं, तो क्या करिए, कान में लगा लीजिए। क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, जो आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता भी रहा हूँ, तो आप उसको बार बार सुनते हैं, जैसे गाना होता है बार बार सुनते हैं चीजें याद हो जाती हैं, तो ये भी चीज इसमें भी आपकी है। मुझे ये सारी चीजें पढ़ाते पढ़ाते आधे ज्यादा आपका कोर्स रट गया है, तो आपको भी रट जाएगा। आप क्या करिए, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, बस ये सबसे अच्छा मेथड होता है। अगला है कि रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य बताइए, तो पहला है मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु कार्य करना और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। ये सब किसके उद्देश्य है, रामकृष्ण मिशन के, और गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना और मिशन के लिए योग्य चरित्रवान और कर्मनिष्ठ जो सन्यासी हैं वो तैयार करना। तो ये पॉइंट आपके हो जाएंगे। अगला देखते हैं मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी सैयद उल्लाह ने जो है वो की थी। किसने, हाजी सैयद उल्लाह ने की थी। किसकी की थी, तो फराजी आंदोलन की थी। जितने भी ये मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन है, मैंने इनको एक ट्रिक से जो है वो फर्स्ट डिवीजन में बताया था, फिर से मैं आपको
पास रिवीजन में सारी चीजें बता दूंगा, तो टेंशन ना लीजिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में जो है वो उदित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है और इस आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में भी हेल्प सहायता की। अगला है, राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की क्या भूमिका थी। तो आप कहेंगे सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय और भाषाई विरोध के बीच होने के बावजूद भारतीयों में राजनीतिक एकता जो है वो दिखी। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल 1857 की क्रांति का देख सकते हैं, सभी भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तो एकजुट हुए थे। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की भूमिका की इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। इसमें लिखा है कि आगे इसने वैचारिक और भावात्मक एकता को भी बढ़ावा दिया। अगला, राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका होती है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों समाचार पत्र निकले, इनमें प्रकाशित स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण जैसे जो विचार थे उन्होंने भी समाज में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। अब अच्छा, अब ये भी सोचिए कि आपके अंदर राष्ट्रीय एकता नहीं है तो क्या होता है, आसपास के माहौल जो है उससे चीजें आपकी आती हैं, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखते हैं कि कक्षा 8-7 में MT की एक मोरल टीचिंग की बुक प्राइवेट विद्यालयों में चलवाई जाती है। रीजन क्या होता है इसका, बच्चे उस कहानियों से सीखते हैं। वही चीज यहाँ पर क्या लिखी, प्रेस और साहित्य की, प्रेस पेपर में साहित्य में ये सारी चीजें छपती हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव विचारों पर भी तो लोगों के पड़ता है, तो उसने भी राष्ट्रीय भावना का विकास किया। आगे की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के उद्देश्य क्या थे, तो सबसे पहला था कि देश के राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, फिर राष्ट्रीय एकता विकसित करना, फिर राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार जो है वो अभिव्यक्त मतलब प्रकट करना दूसरे के सामने। फिर है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण कीजिए, तो दो धारा थी, एक तो नरम दल और एक गरम दल। नरम दल आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें ज्यादा उग्र जो है वो लोग नहीं थे। इस विचारधारा में नेता दादा भाई नौरोजी, गोखले, मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा थे। परंतु गरम दल में अगर बात करें तो तीन आपको नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, लाल बाल पाल। तो लाल से आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल याद रखिएगा, नरम दल यानी गरम दल के याद रखिए, बाकी आप एक के जब याद रखते हैं तो आपको कहीं छाटना भी होता है तो आसानी से छाट लेते हैं। अगला कह रहा है कि होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो 1916 में नरम दल तथा गरम दोनों दलों और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसी समय बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ को किया था। अगला है, बंगभंग आंदोलन कब हुआ था। तो जून 1905 में हुआ था और बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कर्जन। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और डिटेल में अगर देखना है तो इन सब टॉपिक पे 4 सेमेस्टर की सोशल साइंस वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने पूरी कहानी सहित बता रखी है, कैसे कैसे जो है वो विभाजन किस किस रीजन से जो है वो हुआ था। अगला है, रोलेट एक्ट जो है वो क्या है। तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की नियुक्ति जो है वो की थी, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इसी संबंध में सर सिडनी रोलेट की समिति ने जो सिफारिश की थी उसे ही रोलेट एक्ट अधिनियम या रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यही चेक करना कि जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, भारतीय लोग हैं, कहीं वो जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसके लिए या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र या कोई जो है प्लान वगैरह तो नहीं बना रहे हैं। तो रोलेट एक्ट इसी के में आया था, रोलेट अधिनियम और रोलेट एक्ट दोनों नाम से जाना जाता है। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। तो किसने त्याग दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो त्याग दी थी। ये सब क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करिए तो ये सब क्वेश्चन घूम फिर के बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि जीके आती है आपकी वहां पर, ये सब आप याद कर लीजिए, आपको आगे भी हेल्प देंगे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया। तो आप क्या कहेंगे, अहिंसक असहयोग मार्ग जो है वो अपनाया गया। अगला है, चौरा चौरी कांड जो है कि उसकी घटना कहाँ हुई थी। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है वो हुई थी।
और क्या हुआ था इस घटना में, मैंने पहले भी बताया है क्या कि आपके ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी, उसको आग लगा दी गई थी फरवरी 1922 में, जिसमें 22 पुलिस कर्मी जो है वो जिंदा जल गए थे। तो उसी को चौरी चौरा कांड या चौरा चौरी कांड आप कहेंगे। यहाँ पर आपका चौरा चौरी लिखा हुआ है, अधिकतर आपका चौरी चौरा लिखा रहता है, तो ये जो है आपका हो जाएगा। अगला है नेहरू रिपोर्ट की कोई दो सिफारिश का वर्णन कीजिए। तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले और उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अंडर में अन्य उपनिवेश जो है उनके समान ही हो। और क्या है, भाषाई आधार पर जो प्रांत है उनका गठन भी जो है वो किया जाए। ये नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी। देखिए क्या है, जब आपसे कभी कभार पूछ लिया था नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश लिखिए, तो आपको मिनिमम अगर दो पॉइंट पता है तो आप उन दो पॉइंट को लेकर और लिख सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल नहीं पता है, कोशिश कीजिए। नेहरू रिपोर्ट हो गया तो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पता होना चाहिए कि पेपर में आए तो आप कर ले जाएं, खाली नहीं आपको छोड़ के आना है। जैसे पहला पॉइंट आपको कठिन लग रहा है तो आप दूसरा याद कर लीजिए कि भाषा के आधार पर जो प्रांत है उनका गठन किया जाए, भाषाई आधार पर गठन किया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में जो है वो कहा गया था। तो बस आप एक पॉइंट अगर याद रखेंगे, कैसे भी घूम फिर के प्रश्न आएगा इससे संबंधित, तो इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर आप जो है वो काफी लाइनें लिख सकते हैं, बाकी आपकी लिखने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में जो है वो हुआ था। कब हुआ था, तो सन 1919 में जो है वो हुआ था। अगला है सहयोग आंदोलन 1920-22 का मूल उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग ना करना। क्या था, सहयोग ना करना। अगला है गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड मैंने आपको बता दिया सन 1922 में हुआ था, तो बात करें कि क्यों ले लिया था, तो चौरी चौरा घटना जो है उससे दुखी गांधी जी आंदोलन वापस ले लिया था। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला है कि काकोरी कांड क्या था, तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और धन के अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना जो है वो लूट लिया था। तारीख क्या थी काकोरी कांड की, तो आप कहेंगे 9 अगस्त 1925 जो है वो तारीख थी। अक्टूबर 1924 में जो है गठन किया गया था और घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। अगला है कि लाहौर कांड से आपका क्या तात्पर्य है, तो भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले जो अंग्रेजी अधिकारी थे सांडर्स, उनकी हत्या कर दी थी। तो 23 मार्च 1931 का लाहौर में इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, उसी को लाहौर कांड के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला है कि साइमन वापस जाओ से क्या अभिप्राय है, तो 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए एक समिति बनाई थी और नेतृत्व जिसका कौन कर रहे थे, साइमन कर रहे थे। इस समिति में कोई भारतीय नहीं था, ये बात खटक रही थी, तो इस कारण साइमन जहां जहां गए वहां जुलूस हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जो है वो जोरों से गूंजा। अगला है गांधी इरविन समझौते को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान से समझिए कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। फिर 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, देखिए नाम में ही है गांधी इरविन, तो लॉर्ड इरविन गांधी तो महात्मा गांधी जी ही है, उनसे भेंट की, उनसे बातचीत की और लगभग 15 दिनों तक जो है बातचीत चली। फिर क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को, फरवरी के बाद सीधे मार्च में हम पहुंचे, 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं और इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष जो है वो पहुंचा दिया था। तो यहाँ से आपकी कांग्रेस जो है वो उठ गई थी आपकी, समझ रहे हैं आप। तो क्या था गांधी इरविन समझौता और कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के क्या बिंदु जो है वो थे। तो बिंदु कुछ इस प्रकार से है कि यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाए, या 3 विशेषज्ञ समितियां जैसे कि वित्त मताधिकार और राज्यों संबंधी समितियों का गठन किया जाए और भारतीय सलाहकारी परिषद जो है उसकी स्थापना की जाए और 2 मुस्लिम प्रांतों उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध का गठन किया जाए। तो ये सभी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उनकी घोषणा जो है उसके बिंदु जो है वो थे। गोलमेज सम्मेलन आपका देखिए अच्छा आगे क्वेश्चन पूछा गया है तो यहीं पर हम बात कर लेंगे।
पूना पैक्ट कब तय किया गया था? तो 1932 में सितंबर में जो है वो तय किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में जो है वो संपन्न हुआ था। तो टोटल आपके तीन ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला आपका 1930 से लगभग 31 तक चला था, तारीख आपकी नवंबर 12 नवंबर और उसमें 31 जनवरी थी। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें 1931 से 1931 में ही चला था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। और तीसरी आपका था तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 से 1932 में ही चला था, तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपका चला था। कुल मिलाकर आप ओवरऑल कहेंगे तो 1930 से लेकर के 1932 तक जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके जो है वो हो गए थे 1930 से 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो की बात की गई है इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है उसकी अवधि क्या थी? यही मैंने आपको बताया, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक जो है। इसमें भी तारीख याद रख सकते हैं, नवंबर में 12 नवंबर और जनवरी में आपकी 13 जनवरी तारीख जो है वो थी। और इसकी एक खासियत ये थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की कि इसमें कोई भी प्रमुख नेता शामिल नहीं था। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताएं बताइए। तो आपका पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी उदारवादी वही हैं जो नरम दल के थे। मैंने दो बताए थे, नरम दल गरम दल, वही यहाँ पर नरम दल के पूछे गए हैं। अगला उग्रवादी नेता पूछ लिए गए, यहाँ पर गरम दल पूछे गए हैं, वही आपका लाल बाल पाल आप लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, 20 में अलग से लिख दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल भी आप लिख सकते हैं जो मैंने बताया था, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस उसकी जगह लिखा हुआ है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश कब हुआ? तो 1886 में जो है वो हुआ। अगला देखते हैं, प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनको किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो चुना गया? तो 1905 में जो है वो चुना गया, गोपाल कृष्ण गोखले से ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ से देखिए प्रश्न आपके ज्योग्राफी सेक्शन के स्टार्ट हो रहे हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ऊपर तक अभी तक हमारे हिस्ट्री के ही चल रहे थे, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो आप कहेंगे तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु कैसी है? आप कहेंगे मानसूनी जलवायु है, एक लाइन में। अगला है मौसमी पवने किस प्रकार किसे कहते हैं? तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, इन्हीं को हम मौसमी पवने जो है वो कहते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, उन्हें हम कहते हैं मौसमी पवने। अगर कह रहे हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो धरातल की सबसे पहले तो बराबर बनावट हो जाती है, कैसा जो है बनावट है उस वो प्रभावित कर रही है। हिमालय पर्वत की स्थिति एक कारण में आ जाएगा, समुद्र से दूरी आपका कारण आ जाएगा, अक्षांशीय स्थिति और भूमध्य रेखा से दूरी भी आ जाएगा, मानसूनी पवने भी इसमें आ जाएगा। फिर आपका समताप रेखा किसे कहते हैं? तो समान तापक्रम वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, एक लाइन की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ये सब जब पेपर में पूछे जाते हैं तब ये लगता है ये कहाँ से पूछ लिया गया, जबकि सोचिए कितने सरल सी डेफिनेशन है। अगला है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में चेरापुंजी के निकट मासिन ग्राम में होती है, जो कि 1142 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 2019 में देखिए पूछा गया था कि जलवायु, अच्छा मौसम वाला पूछा गया था, जलवायु क्या है? तो जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप होता है, मौसम की जो लंबी अवस्था होती है यही जलवायु और मौसम में मेन डिफरेंस होता है। मौसम पूछा गया था आपका 2019 में सबसे लेटेस्ट में प्रश्न। तो मौसम क्या होता है? किसी स्थान की जो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं होती है उनको मौसम कहते हैं। हम कहते नहीं कि आज मौसम अच्छा नहीं है, कल मौसम अच्छा नहीं है, यानी कि मौसम जल्दी जल्दी बदलता रहता है, पर जलवायु क्या है? एक लंबे टाइम तक जो है वो बदलने वाली चीज है, यही जलवायु और मौसम में मेन डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो तापमान हो गया, आर्द्रता है, मेघ है, वर्षा है, वायु वेग है, तूफान है, ये सभी क्या है? जलवायु जो है उसके तत्व में आ जाएंगे। अगला है मौसम के तत्व बताइए। तो पवने हैं, वायुदाब है, सौर विकिरण है, वायु का तापमान है, ये सभी आपके मौसम के। अब देखिए जलवायु मौसम एक साथ लिखा है तो इससे आपको क्या अंतर भी समझ में आ रहा है कि जब दोनों में क्या पूछा जाएगा तब आपको क्या क्या जो है वो लिखना है। अगला कह रहे हैं कि मौसम विज्ञान की संरचना किसके द्वारा होती है? तो बताइए किसके द्वारा? बिल्कुल
मौसम विज्ञान की संरचना जो है वो मौसम के द्वारा ही तो होती है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो भारत का विश्व में सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहला स्थान रूस का है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चीन का है, भारत का स्थान दूसरा है। समझ रहे हैं, जब जनसंख्या पूछा जाए तो अलग है, क्षेत्रफल पूछा जाए तब अलग है। अगला कह रहा है कि मैकमोहन रेखा क्या है, तो सीमा रेखा भारत और चीन, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी इतना आप ध्यान रखेंगे तो भूल सकते हैं, भारत और चीन के बीच जो रेखा है या सीमा रेखा है उसी को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसी की लिखा है कि हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर गुजरने वाली सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। अगला देखते हैं, प्रमुख उदारवादी नेता, यहाँ पर बीच में देखिए मिक्स करके क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका फिर से हिस्ट्री का, गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? नहीं, ये प्रश्न तो हम ऊपर देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये वाला पेज रिपीट हो गया है, यहाँ तक हमने मैकमोहन तक देखा था, ये देखते हैं। मैंने सोचा शायद ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन मिक्स करके दिए हो सकता हो, नहीं मिक्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन आपका है कि भारतीय धरातल का स्वरूप जो है वो कैसा है, तो आप कैसा कहेंगे कि भारत के धरातल में बहुत भिन्नता पाई जाती है, ऊंचे पर्वत हैं, गहरी घाटियां हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, चौड़े पठार हैं और अनेक अनेक द्वीप द्वीप भी जो है वो अनेक हैं। अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो आप जानते हैं भारत ही नहीं संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई 8,848 और वर्तमान में 8,850 बताई जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ कुछ इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए 8,850 आपको कहीं कहीं अब लेटेस्ट की बुक में लिखा देखने को मिलने लगा है। और ये कहाँ है, नेपाल हिमालय में स्थित है। अगला कह रहा है कि दून घाटी जो है वो कहाँ है, तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं जिनमें एक दून घाटी प्रसिद्ध घाटी है, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में। अगला है सुंदरबन किसे कहते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं उसके डेल्टा क्षेत्र में सुंदरबन पाए जाते हैं, इन्हीं को ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग सुंदरबन जानते हैं पर ज्वारी वन जब पूछा जाता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का जो प्रदेश है वो भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है, आप सभी जानते हैं। अगला है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सांभर झील आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला है भारतीय कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, तो भारत आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है, 75% लोग कृषि पर यहाँ पर डिपेंड है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां होने के कारण सभी प्रकार की फसलें यहाँ पैदा होती हैं, मुख्यतः चाय, गन्ना, मोटे अनाज, तिलहन, इन सभी के लिए विश्व प्रसिद्ध है भारत। अगला है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे या जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये 40% जो है वो है। अगला है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर, ये आपकी उत्तर होती है, नीचे आपका दक्षिण होता है और इधर साइड आपका जो है वो पश्चिम होता है और ये आपका पूरब होता है, तो उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ पर आपका एरिया होगा, यहाँ पर भारत, अगर ये पूरा ग्लोब है तो भारत की स्थिति इस साइड जो है वो है। अगला है भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यदि बात करें देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ। ये डिग्री और मिनट ये सब क्या होता है, एक्चुअल में जो आपका पूरा विश्व की अगर बात करें तो वो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, तो उसमें ये जो डिग्री है, यहाँ से भारत की अगर इस टाइप से नक्शा बना हुआ है तो उत्तर से दक्षिण में भी आपकी कुछ ना कुछ जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं उनकी माप होगी, तो वही माप को दिया जाता है कि उत्तर में इतना है दक्षिण में इतना है, इसी प्रकार देशांतर में भी और इसी प्रकार अक्षांश में भी। अगला देखते हैं भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर होता है यहाँ पर, केवल किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर स्क्वायर लिख दीजिए या इसी को आप वर्ग किलोमीटर लिख दीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला कह रहा है कि भारत के विशाल मैदान के जनजीवन को समझाइए, तो उत्तर का विशाल मैदान जनजीवन की दृष्टि से खुशहाल विकसित आबादी वाला भाग है, इस भाग के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त सभी सुविधाएं हैं, भव्य नगर, आवागमन के भरपूर जीवन यापन, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अगला है दक्षिण के पठार और पूर्वी और पश्चिमी घाट के
जनजीवन तथा प्रमुख नगरों को समझाइए। तो इस भाग में आबादी बहुत छितरी बसी हुई है, यानी कि अलग अलग बसी हुई है, घने घने नहीं बसे हैं। यहाँ गांव और शहर दूर दूर बसे हुए हैं, यही चीज लिखी है। पथरीली जमीन से यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और तालाब और पोखर सूख जाते हैं। ये वहाँ की स्थिति की बात की गई है। बरसात में कम वर्षा होती है, आला और कजरी के गीत गाए जाते हैं। पश्चिमी पठारी भागों में ब्रजभाषा और बुंदेली तथा पूर्वी भागों में भोजपुरी बोली जाती है। नगर भी लिखा है कि कौन कौन से इस एरिया में आते हैं, तो झांसी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नागपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, मैसूर, अंबर, कोपरगांव, पूना आदि हैं। कुछ आप इसमें याद रखिए, इतने ना याद रखिए ताकि आप एग्जाम्पल में कुछ लिख दें, उतना आपके लिए काफी हो। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों को खोजने और विकसित करने के लिए निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे खनिज संसाधनों को खोजने और उद्योग स्थापित करने के लिए 1955 में भूतल और खनिकर्म जो निदेशालय उसकी स्थापना की गई थी। तो सन ध्यान रखिएगा केवल और केवल 1955। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ने कितने जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया है? तो 10 जिलों को घोषित किया है। यहाँ पर नाम सभी के जो है वो लिखे हुए हैं। इन्हें क्या किया गया है, खनिज बहुल जिला, यानी कि यहाँ पर खनिज की मात्रा अधिक है, बहुल मतलब अधिक मात्रा में। अगला है, उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप क्षेत्र कौन से है? क्षेत्र पूछा गया, वहां पर जिला पूछा गया था। तो उत्तर में हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग, जो दक्षिण है उसका पठारी भाग, जिसे हम बुंदेलखंड का पठार के नाम से भी जानते हैं। अगला है, कोयला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये आपका लास्ट पेज चल रहा है, यानी कि अभी आपके लगभग 5-6 प्रश्न और शेष रह गए, फिर ये हमारा पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर बाकी आपके सेकंड पार्ट में देखेंगे और उसके बाद के बाकी हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो पूरा कोर्स आपका जितने भी लघु, यानी कि जितने भी वन लाइनर अति लघु पूछे जा सकते हैं, सभी इसमें कवर हो जाएंगे। इनको ध्यान करके रट लीजिएगा समय निकाल कर। अगला देखते हैं, डिगबोई तेल छत्र क्षेत्र किस राज्य में? और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप ही के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन मैं वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड कराता रहूँ। तो आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा जो है वो करता रहूँ। अगला देखते हैं प्रश्न, डिगबोई तेल क्षेत्र तो कहाँ है? असम में जो है वो स्थित है। इसको थोड़ा सा आप ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप खेती किसानी से अगर थोड़ा सा जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर वर्ड बोई लिखा हुआ है। कोई भी चीज जो है वो बोई जाती है जमीन में, उसको बोई बोलते हैं। तो जैसे कि घर में आपके कोई बातचीत हो कि पापा जो है वो लड़के से कह रहे हैं कि चलो भैया गेहूं जो है वो बो आते हैं, या जो भी फसल लगानी उसको चलो बो आते हैं, और दोपहर का समय है, अब धूप बहुत होती है, तो आप क्या कहेंगे, पापा आज शाम को चलते हैं। क्या कहेंगे, आज शाम को। असम में देखिए क्या लिखा है, आज शाम, यानी कि क्या कहेंगे आप, आज शाम को चलते हैं, आ शाम, यहाँ पर आज शाम कह सकते हैं। तो यही बोई से आप इसको याद रख सकते हैं, अच्छी ट्रिक है। देखते हैं आपे आगे, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका तारापुर में जो है वो स्थित है। अगला है, कल्पक्कम में कहाँ स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया, प्रश्न को पूछना चाहिए था कि कल्पक्कम जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, या वहाँ पर क्या जो है वो स्थापित है जिसके लिए वो जाना जाता है, तब आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र सही हो जाएगा। कल्पक्कम जो है वो आपका जो भारत है उसके तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिला जो है उसमें स्थित है एक शहर, और ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका लिखा हुआ है। अगला है, कोटा रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में जो है वो स्थित है। कहाँ है कोटा, आप जानते भी, कोटा की कोचिंग बहुत लोग करने जाते हैं, कोटा वहीं राजस्थान में ही तो है, बहुत से लोग राजस्थान कोचिंग जाते हैं। अगला है, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? और ये है आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, आगे के प्रश्न हम सेकंड वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो मुंबई में जो है वो स्थापित है। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो उत्तर प्रदेश की खनिज नीति, ये आपका प्रश्न है, क्या है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित जो है वो की गई थी? चार ऑप्शन भी मैं सन दे देता हूँ, ईयर एक था आपका 1995, एक सन है आपका 1988, एक है आपका 1998
और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ये आपको आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। समय हमारा ये है सुबह के 11 बजे, तो इसी में मिलेंगे कल। सभी लोग लाइव आ जाइएगा, जितने लोग भी लाइव देख सकते हैं, और लाइव ही कोशिश किया करिए देखने का, क्योंकि बाद में समय आपका जो निकल जाता है, फिर सोचते हैं बाद में देख लेंगे, फिर वो चीज़ें रह जाती हैं। क्योंकि देख रहे हैं आप 45 मिनट का अभी तक वीडियो हो चुका है, और जो चीज़ बाद में टल जाती है उससे अच्छा है तुरंत का तुरंत उस कार्य को करते हुए चलिए। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉच।